सो हेलो, वेलकम टू माय चैनल एडिटर आदि। तो आज की इस वीडियो में हम कैनवा पर फेसबुक पोस्टर या कवर, फेसबुक फेसबुक के रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर कैनवा में करना सीखेंगे। तो ये हमारी पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट सेकंड और फर्स्ट हमारे चैनल पे पहले से ही पड़ी हुई हैं, तो उन्हें जाकर देखें आप। और चलो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम कैनवा पर गए। ये मेरे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पर हम आज फेसबुक क्या पोस्टर सीखते हैं बनाने। यहाँ पर हम फेसबुक पोस्टर डालेंगे। ये आ गए फेसबुक पोस्टर। ये ब्रिट्स हैं। कुछ वीडियो के बाद आपको अपने टेम्पलेट से बनना सिखाएंगे। अब फिलहाल हम इन्हीं टेम्पलेट्स पे आपको काम करके बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से कोई भी आप अपने एक पसंदीदा चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये इसको आप एडिट करना है, मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है। जैसे कि यहाँ पर अपना नाम लेना चाहते हो, जैसे कि चलो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई गलती हो जाए तो यहाँ पे जाएगा, फिर दोबारा करो, दोबारा सही हो जाएगा। इसको डबल टैप करना है, सेलेक्ट हो जाएगा बैक आदित्य। यहाँ पे लिखते हैं सर, एक मिनट पैक करते हैं इसको। हाँ सही है। यहाँ पे लिखते हैं ये कुछ माइक के टाइप का है, तो यहाँ पे उसी की तरह से लिखे हैं। जैसे आप, मैं लिख रहा हूँ सिंगर सॉरी, और सेलेक्ट करें, इसे डबल क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो जाए आदि, और ये हो चुका है, हो गया। यहाँ आप ना कुछ भी दे सकते हैं, इवेंट रिवेंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए दे सकते हैं। मैं फिलहाल वैसे ही लिख के बता दे रहा हूँ। तो हाँ, मैं अपनी ईमेल दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। बस हो गया, आप सुनना चाहें तो यहाँ पे फोटो भी डाल सकते हैं। फोटो डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे कर लेता हूँ। हमने मुझे यहाँ अपना फोटो डालना है, तो यहाँ से पहले हम एक फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेम के लिए इमेज फ्रेम डाल दें। यहाँ पे आएगा, मुझे सर्किल फ्रेम चाहिए, सर्किल फ्रेम, हीरा सर्किल फ्रेम। ऐसे करोगे आप, ये आ जाएगा आपकी इमेज के लिए फ्रेम। यहाँ पे एक इसे मैं छोटा कर देता हूँ कुछ ऐसे, सही से बनाया। यहाँ से हम सर्च करते हैं कुछ नियॉन टाइप, हाँ नियॉन सर्कल, हाँ कुछ ऐसा अच्छा लगेगा इसके, ऐसे कर देते हैं। सॉरी, मैंने इमेज कर दिया है। अब यहाँ से पैक कर सकते हैं इसे जितने स्टेप चाहें। तो इसे थोड़ा सा इमेज इसके हमें ऊपर लगानी है, तो थोड़ा सा इसे छोटा कर लें, हो गया छोटा। ओके, और यहाँ से उठा के आप इसे थोड़ा सा थोड़ा करके एडजस्ट कर देते हैं, ये हो गया एडजस्ट। यहाँ पे हम जो ये ग्लो है इसको ऑन कर देते हैं, सॉरी। पहले एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, अब नहीं। ओके, रिसाइज करने के लिए डबल क्लिक करें, और ये हो गई सेलेक्ट हमारी इमेज। अब इसको सेलेक्ट करते हैं कुछ यहाँ पे, नियॉन टाइप आप बहुत कुछ ले सकते हैं।
ये नहीं, मैं वाइट लेता हूँ, ये थोड़ा मेरे कपड़ों से मैच भी नहीं हो रहा नहीं पिक्चर से, तो वाइट थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ यहाँ पे ऐसे और छोटा कर लिया, और यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर को ऐसे ले जाना है जी। यहाँ से सेलेक्ट करो, ओके। हमने एक गलती कर दी थी, पहले इसमें फ्रेम सेलेक्ट करना है, फिर उसमें पिक्चर डाल दिए, हमने फ्रेम और पिक्चर एक साथ डाल दिए थे, ओके। यहाँ से हम फ्रेम लेने के लिए सर्किल फ्रेम, यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है, मैं चले देता हूँ, और हमें फ्रेम सेलेक्ट करना है इसके अंदर, तो मेरा फ्रेम हो चुका है, ओके। अब यहाँ पे हमें इमेज डालनी है कुछ ऐसे, डबल क्लिक करके इमेज को रिसाइज करें, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी इमेज का साइज हो। अब देखो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, मतलब कि ये थोड़ी देर में इतना कुछ हो गया है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो अब चलते हैं, ये मैंने फेसबुक के लिए बनाया है, ये इंस्टाग्राम पे भी यही स्क्वायर वाले ही चलते हैं, तो नया चलते हैं, इसमें भी फेसबुक कवर बना के दिखाते हैं आपको, इसमें फेसबुक कवर पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, यूज़ कर सकते हैं आप, मैंने यूज़ करूँ। चलो ये वाली कुछ अच्छी लग रही है, ये वाली देख लेते हैं, ये कैनवा की है, ये प्रो पिक्चर है, इसको आप हटा देते हैं क्योंकि इसमें वो भी आ रहा है, कैनवा का ये टैग सा ट्वीट हो गई, ये फ्रेम बचा हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, यानी ये शॉप वगैरह के लिए आप इसे डिज़ाइन कर सकते हो, हम और कोई करते हैं थोड़ा अच्छा सा। नियॉन वाला ये भी रहा, आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, हम करते हैं इसमें भी अपने तीन पिक्चर डाल सकते हो। चलो डाल के दिखाते हैं, यहाँ पे डिलीट फॉर इमेज, डिलीट फॉर इमेज इमेज और डिलीट फॉर इमेज, ओके। यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, डबल क्लिक करके से बोले सेलेक्ट करें, टैग करके आपका जो भी नाम है मुझे पहले, ओके ओके, मैं पहले वर्ड ये डाल देता हूँ, फिर छोटे में कुछ अब अट्रैक्टिव सा लग रहा है, साइन सिग्नेचर टाइप, यहाँ से लिख देते हैं ग्राफिक, ग्राफिक डिजाइनर्स, यहाँ अपने कोई वेबसाइट दे रखी है इसने, यहाँ हम इसे सेलेक्ट करके हम ईमेल दे देते हैं अपने, नई ईमेल दे दी अपनी, अब और हम हमारा काम बचा है यहाँ पे फोटो लगाना, तो आप सिंपल यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं, मैं ये फोटो लगा रहा हूँ पहले ये शायद करके से, ये हो गया मेरा फोटो सेलेक्ट, थोड़ा छोटा कर देते हैं थोड़ा, ओके। यहाँ से इसमें चला गया फोटो, अब ये देखो कुछ ऐसा, अरे हम इस फोटो को नहीं डालते, डिलीट फॉर इमेज यहाँ पे से डाल देते हैं, ये चला गया, यहाँ से कुछ मैं हाथों को बने को काटना चाहते हैं हम, तो ये बस सिंपली हो गया आपका डिज़ाइन तैयार है, फेसबुक कवर है।
ओके, अब हम करते हैं फोन के लिए वॉलपेपर बनाना है आपको, तो कोई भी दे सकते हैं अपने लिए, ये इस तरह की इमेज को फोन के ऊपर बना सकते हैं वॉलपेपर। ये पीछे से यहाँ पे अपने यहाँ कोई भी लिख सकते हैं नेम वगैरह। ये इमेज कैनवा की तरफ से है, प्रो वर्जन है ये, तो इसके आपको हम फ्री वर्जन में दिखा रहे हैं। ऐसे इस टेम्पलेट्स पे बना सकते हैं आप। यहाँ से सिंपली डिलीट इमेज पे करके अपलोड करना है बस फोटो, बस हो गया काम। थोड़ा बहुत ही करना पड़ता है इन्हें, बहुत इजीली आप कैनवा को चला सकते हैं। ये हो गया, थोड़ी सी मेरी गर्दन ऊपर जा रही है, अब हो गया। बस हो गया। और करते हैं, आप ग्राफ्स भी बना सकते हैं इस पे, किसी भी तरह के ग्राफ्स बनाते हैं साइंस के लिए या कुछ भी, आप इस पे ग्राफ्स बना सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट करके से कोई पार्ट सेलेक्ट करके इधर उधर कर सकते हैं कितना भी। यहाँ पे जैसे 50 है, यहाँ से लिया गया है ग्राफ। आप वैल्यू रख सकते हैं इसकी। ओके, तो चलते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट में ये बताएं आपके लिए अगला टॉपिक कैनवा पे किसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।